बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को कोकोनट केक बनाना सिखाऊंगी। इसको अरबी में केक भी लबन भी कहते हैं, लस्सी वाला केक यानी, और कोकोनट केक भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक कप लस्सी इस्तेमाल होगी, जिसमें कि आप आधा जो है दही डाल लें और आधा ग्लास पानी डाल के तो उसकी लस्सी बना लें। एक कप लस्सी है, एक कप शुगर है, एक कप मैदा है, एक कप जो है कोकोनट क्रश किया हुआ है, ये देखें क्रश किया हुआ कोकोनट है, ड्राई क्रश किया हुआ कोकोनट। और इसमें जो है 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस वनीला पाउडर, 1/2 कप ऑयल जाएगा और 4 अंडे जाएंगे। अब मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम सबसे पहले जो है लिक्विड चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये लस्सी जो लबन थी उसको डाला हमने और ऑयल को डाला और साथ में अंडों को डाला। अब हम इसको जो है बीटर पे लगा देंगे। अब हमने लिक्विड चीज़ों को बीटर में डाला, अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। पहले लिक्विड चीज़ों को मिक्स करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें अपनी सारी ड्राई चीज़ों को डाल देंगे। अब हम इसे रोकेंगे जी। अब हम ये ड्राई चीज़ें इसमें डाल देंगे, कोकोनट शुगर, फिर इसको मिक्स करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें मैदा डालते जाएंगे, साथ ही इसमें हमने वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर डाल दिया था। इसको बंद करेंगे, ये भी डाल देंगे बाकी मैदा। अब मशीन को हम बंद करेंगे फिर, और अब बस इसको मिक्स कर देंगे। अब हमने ऑयलिंग करनी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाया, साइडों से भी, आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, वैक्स पेपर। उसके बाद इसके अंदर मैं मैदा लूंगी। देखें ये इस तरह करके चारों तरफ मैंने लगा दिया। इसको वापस डालूंगी। अब हमने जो मिक्सर ये केक बिल लबन का बनाया था वो हम पोर कर देंगे इसके अंदर। हमने पहले से ही ओवन ऑन कर दिया था 180 की स्पीड पे। इसको 20-25 मिनट लगेंगे, हम 20 मिनट बाद चेक कर लेंगे। हर एक के घर में ओवन का अलग हिसाब होता है, आप 20 मिनट बाद पहले चेक कर लीजिएगा। अब हमने 180 की स्पीड पे इसको ओवन को ऑन कर दिया था, तो ये जो है अब केक अंदर रख दिया है। इसको 20-25 मिनट लग सकते हैं बनते हुए। ओके, अब बनने के बाद आपसे मिलते हैं। इसको बंद कर दिया, 20 मिनट हो चुके हैं, ओवन को बंद किया। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत
केक तैयार है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये जो है देखिए कितना प्यारा ये बेक हो गया है। अब हम इसको काटेंगे तो आपको दिखाएंगे कितना फ्लफी है ये। अब ये ठंडा होगा तो हम इसको आपको काट के दिखाते हैं।